swimming pool is 154. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? मतलब कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, उसका पेरीमीटर है 154 मीटर है, उसकी लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है उसके ब्रिथ से ट्वाइस करके, तो उसकी लेंथ और ब्रिथ क्या है? तो हम इसका फॉर्मूला निकाले पेरीमीटर का, तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रिथ से आता है, तो हमारा पेरीमीटर तो 154 है, तो हम 154 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ हमारी निकली थी 2 मीटर मोर देन 2 प्लस ट्वाइस ब्रिथ, ब्रिथ को हम बी मान लेंगे और 2 बी प्लस बी, तो हमारा जो 2 प्लस 2 बी प्लस बी ये हमारे ब्रैकेट के अंदर का हमने लिखा, जो हमारे ब्रैकेट का हो गया। तो हम जो 2 हमारा इनटू में था वो हमारा अब डिवाइड में चला जाएगा पेरीमीटर के, तो हम उसको जो हमारा जो 2 था वो हमारे डिवाइड में चला गया, तो जो 154 अपन में 2 आ जाएगा। तो अगर हम उसको काटें तो हमारा 77 आता है, तो हमारा जो 2। अरे मैं हमारा काम कर ही रही हूँ, हमारा काम है इक्वल टू वैसा का वैसा लिख देंगे, जैसे 2 प्लस 2b प्लस बी, तो हमारा जो 77 था। अरे हमारा काम है नहीं, अरे हमारा काम है इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो हमारा जो है हमारे जो क्लास में था, अब हमारा वो जो बचा था इस इक्वल टू जो ऑपोजिट साइड जाएगा, तो माइनस को चला गया और बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे 2b प्लस बी। अब हमारा हम 2b प्लस बी देखते हैं, तो हम इन दोनों को प्लस में कर सकते हैं, तो 3b। मैं थोड़ा सा लिखी लेने दे बस, आई रही 3 आई रही, बस थोड़ा सा लिखी लेने दे, लिखी लेने दे 3। अब हम इसको काटेंगे 25, हमारा आंसर आ जाएगा 25, तो बी हमारी मतलब ब्रेथ जो है वो हमारी निकल गई 25। तो हम अगर लेंथ निकालें, ब्रेथ तो हमारी निकल गई 25, तो अगर अब हम हमारी लेंथ निकालें तो वो 2 प्लस 2 बी था, तो बी तो हमने 2 प्लस 2 बी प्लस बी, तो हमारा जो था वो 25 निकल ही गया है, तो अब हमारा 2 ऐसा होएगा आंसर 2 प्लस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 इंटू 25 ब्रैकेट क्लोज, तो 2 इंटू 25 हमारा 50 आ गया, 2 प्लस 50, तो अब हमारा आंसर क्या आ गया 52, ये हमारी निकल गई लेंथ।